नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला मंच ने वाराणसी के भोजूबीर में उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के लिए हुंकार भरी। महिला मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना सिंह ने कहा कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में प्रदेश भर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को शराबबंदी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। पड़ोसी राज्य बिहार में 5 साल से शराब बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पड़ोसी राज्य से सीखना चाहिए। यूपी में शराबबंदी हो जाए तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आएगी। शराब से बर्बाद हो रहे घरों की महिलाओं 2022 विधानसभा में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाकर योगी सरकार को करारा जवाब देगी। सुभाषपा महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा करने में योगी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव मनीषा सिंह ने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना, घरेलू रोजगार दिलाना, हर महिलाओं के हाथ को कला तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। जब महिला मंच की जिला अध्यक्ष सोना राजभर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम आदमी का जीना दुष्भर हो गया। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहे राजभर तक। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं होना चाहिए, जिसके साथ बलात्कार हुआ जो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उसको मार देना चाहिए। तब न हुआ फैसला। हमारी सरकार आएगी, पहला गांव गांव में महिला विद्यालय खुलेगा, दूसरा दारू बंद होगा, तीसरा महिलाओं पे उत्पीड़न करने वालों का हाथ काट दिया जाएगा, सब बंद होगा। ऐसे नहीं बंद होगा, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना होता है। और जो कि महिलाओं को पुरुष लोग आवाज बंद करा देते हैं, आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आवाज उठाइए तभी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा ने, बहुत अच्छा आपने महिलाओं के विचार को, अधिकार के बारे में, शराबबंदी के बारे में, बलात्कार के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से आपने बताया।